Hello students, let's start bookwork of chapter 4. Filling the blanks. First filling the blanks is the dash is a pointing device. हमारी pointing device students कौन सी होती है जिससे आप screen के ऊपर point कर सकते हैं, click कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं mouse. Mouse एक ऐसी pointing device है जिससे आप draw भी करते हैं, click भी करते हैं, किसी भी चीज़ को select कर सकते हैं. Second, the mouse contains dash और dash push buttons. Mouse के ऊपर कितने buttons होते हैं? 2 और 3. Next is, there is a dash ball inside the mouse that can be seen by turning it over. Mouse के अंदर एक क्या होती है, किस तरह की ball होती है जो mouse को move करती है, उसकी pointer को move करती है, वो है rubber ball. The dash click of the mouse selects an item. माउस की कौन सी क्लिक से स्टूडेंट्स आप किसी भी आइटम को यानी कि किसी भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपने वर्ड पैड सेलेक्ट करना है, पेंट सेलेक्ट करना है, तो आपको कितनी बार क्लिक करना पड़ता है? वन टाइम क्लिक करना पड़ता है और उसे बोलते हैं सिंगल क्लिक. नेक्स्ट बी पार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. डॉक्टर एंगलबर्ट इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस. कंप्यूटर के माउस को किसने इन्वेंट किया था स्टूडेंट्स? डॉक्टर एंगलबर्ट. इन्होंने माउस की इन्वेंशन की थी. नेक्स्ट इज, टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट आइटम्स होल्ड डाउन द डैश की. नॉन एडजेसेंट होती है बेटा जो सीक्वेंस में नहीं होती, इट मींस रेंडमली बीच बीच में से. अगर आपको कोई भी लिस्ट में से चीज़ बीच बीच में से सेलेक्ट करनी है, सपोज फर्स्ट नंबर की सेलेक्ट करनी है, फिर थर्ड सेलेक्ट करनी है, फिर एट सेलेक्ट करनी है, वो है नॉन एडजेसेंट. तो नॉन एडजेसेंट आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ता है साथ में कंट्रोल की. नेक्स्ट इज, द लेफ्ट माउस बटन इज यूज टू सेलेक्ट एंड ड्रैग एन ऑब्जेक्ट. माउस के कौन से बटन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो और उसको ड्रैग कर सकते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हो, वो है माउस का लेफ्ट बटन. क्योंकि लेफ्ट बटन से ही हम क्लिक करते हैं और माउस से सेलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, डबल क्लिकिंग इज़ यूज टू ओपन फाइल्स एंड फोल्डर्स. डबल क्लिक प्रेस करने से आप किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन कर सकते हैं. सिंगल क्लिक से आपकी आइटम सेलेक्ट होती है, लेकिन जब आप डबल क्लिक करते हैं तो वो आइटम आपकी ओपन हो जाती है. सी पार्ट इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. व्हाट इज़ अ माउस? माउस क्या है? अ माउस इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस. माउस एक पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस है. माउस की हेल्प से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है. और स्पेशली स्टूडेंट्स याद रखना कि ये एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं. व्हाट कैन यू डू विद अ माउस? आप माउस से क्या क्या कर सकते हैं? इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट और सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर यानी कि मॉनिटर के ऊपर किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करने, पॉइंट करने के लिए हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है. व्हाट कीप्स द माउस रोलिंग ऑन द माउस पैड? माउस पैड के ऊपर माउस को कौन सी चीज़ मूव करती है, रोल करती है? स्टूडेंट्स आपको बताया था कि उसके नीचे एक रबड़ बॉल होती है जिसको मूव करने से ही हमारे माउस का पॉइंटर मूव करता है, तो इसका आंसर है अ रबड़ बॉल. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक? सिंगल क्लिक और डबल क्लिक में क्या डिफरेंस होता है? सिंगल क्लिक सेलेक्ट्स एन आइटम. जब आप किसी चीज़ के ऊपर जाकर सिंगल क्लिक करते हैं तो वो आइटम क्या हो जाती है? सेलेक्ट हो जाती है. व्हाई? जबकि डबल क्लिक ओपन एनी फाइल और प्रोग्राम. डबल क्लिक से आप किसी भी फाइल, किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं. इट मीन्स सिंगल क्लिक ओनली सेलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है और डबल क्लिक किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए यूज की जाती है. ओके स्टूडेंट्स, राइट दिस चैप्टर नीटली इन योर बुक एंड लर्न इट. ओके, थैंक यू.